इसे 90 के दशक की मशहूर अदाकारा फरहानाज, जिन्हें अपनी अदाकारी से ज्यादा इनके शॉर्ट टेम्पर और एग्रेसिव व्यवहार की वजह से जाना जाता था। ये 80 से 90 के दशक की सबसे विवादित अभिनेत्रियों में से एक थी। ये कब किसको थप्पड़ मार दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इन्होंने अपना करियर के पिक पर अचानक शादी करके बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरियां बना ली। लेकिन दोस्तों, क्या आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं? वो कहाँ और किस हाल में है और अब क्या करते हैं? तो चलिए जानते हैं इस दमदार अभिनेत्री के बेटे के बारे में। 90 के दशक की मशहूर अदाकारा फरहानाज का जन्म 9 दिसंबर 1966 को हैदराबाद में हुआ था, जिस वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एक्टिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया और एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई चले गए। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1985 में आई फिल्म फासले से की। इस फिल्म में इन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। इसके बावजूद भी इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया, जिसके चलते इन्हें कई फिल्मों में बतौर फीमेल लीड काम करने का मौका मिला, जिसमें घर घर की कहानी, नसीब अपना अपना, यतीम जैसी फिल्में शामिल है। इन्होंने अपने दौर के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, गोविंदा जैसे कलाकारों के साथ काम करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद भी एक्ट्रेस ने अचानक विंदु दारा सिंह से 1996 में अचानक शादी कर ली और इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा, जिसके चलते इन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके बाद अभिनेत्री ने सुमित सहगल से शादी कर ली। अपनी दूसरी शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में कमबैक किया। बॉलीवुड में इन्होंने हलचल मूवी के साथ कमबैक किया, लेकिन इसमें इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने शिखर मूवी में भी देखा गया, लेकिन इसमें भी इन्हें कुछ खास पहचान हासिल नहीं हुई, जिसके बाद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं। लेकिन बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें, इनके बेटे का नाम फतेह रंधावा है, जो कि आज 27 साल के हो चुके हैं, जो अभी अपने करियर में हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आने वाले हैं, जिन्हें करण जौहर लॉन्च करेंगे और यहीं से ये अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, फरहानाज के बेटे दिखने में बेहद हैंडसम, बिल्कुल अपने पिता बिंदु दारा सिंह की तरह हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फरहानाज के बेटे के बारे में जानकर, और आपको इनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।